हेलो बच्चों, तो आज हम नोमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के 3 वीडियो किए हैं। वीडियो नंबर 1 नोमेनक्लेचर 01 फिजिक्स वाला YouTube पे सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया कि बेसिक रूल्स क्या हैं नोमेनक्लेचर के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स कैसे लिखते हैं और एल्केन की, सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग सिखाई। वीडियो नंबर 2 नोमेनक्लेचर 02 फिजिक्स वाला YouTube पे सर्च कर सकते हैं। उसमें हमने आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, ऐसी ब्रांचेस जिसके अंदर और ब्रांचेस हो, ब्रांच में ब्रांच, जैसे आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इन सब की आईयूपीएसी नेमिंग करना सिखाई। साथ ही में साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग सिखाई, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। थर्ड वीडियो नोमेनक्लेचर 03 फिजिक्स वाला यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसमें हमने आपको एल्कीन और एल्काइन की कंप्लीट नेमिंग सिखाई, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप अब स्टार्ट होने वाला है 3 वीडियो के बाद। अगर मैं किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखूं, यहां ऐसे ही लिखता हूं इन जनरल, 2 ब्रोमो एथ, एथ 2 ब्रोमो प्रोप एन 1 ओएक एसिड, मैंने ऐसे ही एक नाम लिख दिया मनगढ़ंत। इस नाम के अंदर इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, शुरुआत में सब्स्टिट्यूएंट, या उसको प्रीफिक्स भी बोला जाता है। इसके बाद वर्ड प्रॉप आया, प्रॉप को हम बोलते हैं बच्चों रूट वर्ड। इसके बाद एन आया, तो बच्चों एन ईन आइन हमको बताता है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स जो नाम के बाद में लगे। और लास्ट में ये आया ओइक एसिड, जो कि बता रहा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ये पार्ट होते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं, इतने पार्ट में। ये वाला पार्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा 3 लेक्चर में। और ये पार्ट जो होता है सेकेंडरी सफिक्स, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? फंक्शनल ग्रुप की। सेकेंडरी सफिक्स यानी 2 डिग्री का सफिक्स, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? देखो, एक जो जनरल डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की वो समझो। जनरली जनरल डेफिनेशन है कि भैया एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की जितनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो इनकी वजह से होती है। कुछ एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, सिंगल एटम भी हो सकता है, जिनकी वजह से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उनकी सारी प्रॉपर्टी कौन डोमिनेट करने लगे? फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करने लगे। जितने भी रिएक्शंस होंगे, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस वो फंक्शनल ग्रुप पे ही होंगे। जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा कंपाउंड के अंदर, रिएक्शन उसी साइट पे, उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे जाके होगा। मतलब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपाउंड का, कंपाउंड के किंग है वो, है ना। डॉन कहां आता है मूवी के लास्ट में आता है लड़ने ना, पहले छोटे मोटे लोग लड़ते हैं, लास्ट में डॉन, तो नाम भी एकदम लास्ट में लिखा जाता है। इनकी वजह से सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। डॉन है ये, डॉन कंपाउंड के डॉन, इन्हीं के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा। यही डिसाइड करेंगे रिएक्शन कहां करना है, कौन सा करना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो बिना देरी किए हम लोग आज के लेक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर से स्टार्ट होगी इनकी इंडिविजुअल नेमिंग, एक एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। सब में थोड़ा थोड़ा नया नया चीज मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का नाम
कहां पे आते हैं कंपाउंड में, ये सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन में आते हैं। कहां आते हैं? लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स एकदम लास्ट में। चलिए, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनके स्ट्रक्चर और उनके लिए इस्तेमाल होने वाला सेकेंडरी सफिक्स। यहां मैं लिखता हूं फंक्शनल ग्रुप, बीच में बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर और लास्ट में लिखेंगे उनके लिए यूज होने वाला सेकेंडरी सफिक्स, यानी कंपाउंड में उनका नाम क्या लिखते हैं। जैसे अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज किया है ना, तो यूज क्या होता है ये भी देखेंगे, कौन सा वर्ड यूज होता है। तो मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पे लिखने वाला हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले अल्कोहल से। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दूं बच्चों कि आईयूपीएसी जिनको फंक्शनल ग्रुप समझता है और जनरली जो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आईयूपीएसी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनओ टू जो कि क्या थे, सब्स्टिट्यूएंट, इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं समझता, पर एक्चुअल में ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। किसी कंपाउंड में यदि डबल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड डिसाइड करता है। किसी कंपाउंड में एनओ टू लगा है, नाइट्रो, तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी नाइट्रो डिसाइड करता है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, बट आईयूपीएसी उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। तो हम अभी आईयूपीएसी जिसको मानता है सिर्फ उसकी बात करेंगे। अल्कोहल, अल्कोहल का स्ट्रक्चर है आर ओ एच। आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, यहां पे आप मिथाइल लिख लो, यहां पे इथाइल लिख लो, यानी कार्बन की चेन, कार्बन की चेन को हम आर लिखेंगे। कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है उसको हम आर लिखेंगे। अल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स है इसका ऑल, क्या है, ऑल, ओ एल, ऑल। अगला हम ले रहे हैं एल्डिहाइड। अभी सेपरेट वीडियो भी आएंगे एक एक के लिए, अभी आज इंट्रोडक्शन। एल्डिहाइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड, अल्काइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब सी डबल बॉन्ड ओ की प्रॉपर्टी यहां की प्रॉपर्टी से बहुत अलग है। एल्डिहाइड पहचानने का तरीका सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ एच, यहीं पे देखो अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, अब आर क्या होता है, कार्बन होता है, आर कार्बन, कार्बन कार्बन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे कीटोन, और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक भी तरफ हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन, एक भी तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स है अल और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स है ओन। तो पहले इन तीन फंक्शनल ग्रुप को नोट करें, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। इन्हीं से मिलता जुलता एक और यहीं पे मैं बता दूं, बड़ा फेमस है ईथर। ईथर, ईथर होता है बच्चों आर ओ आर डैश। अब ये आर आर डैश जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, जैसे यहां पे मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, वैसे यहां पे इन दोनों में डिफरेंस समझो, आर ओ आर डैश है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश डिफरेंस है। आर ओ आर डैश को हम बोलते हैं ईथर। इनका कॉमन नेम तो ईथर ही है, पर अभी कॉमन नेम की बात तो नहीं हो रही, सेकेंडरी सफिक्स की बात हो रही। तो ईथर के लिए सेकेंडरी सफिक्स ध्यान से लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। इनका नाम लिखने का तरीका ही यही है, इनका नाम लिखने का तरीका ही यही है। क्या तरीका है? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो इन चार को पहले नोट करें, फिर और फंक्शनल ग्रुप आएंगे, अल्कोहल, ऑल, ईथर, एल्कोक्सी एल्केन, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, ओन। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा, सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन तो ओन, एक तरफ हाइड्रोजन तो अल, और ईथर में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी एल्केन।
मेरे साथ धीमे धीमे चलो, नोमेनक्लेचर के जितने भी वीडियो बनने बनने दो, क्वेश्चन मत करो कितने वीडियो बनेंगे, कितने वीडियो बनेंगे, कितने घंटे के बनेंगे, कब कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन मत करो, मेरे साथ चलो एकदम प्यार से, पूरा यूपीएससी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये चार फंक्शनल ग्रुप हुए। अब नेक्स्ट देखो, आर एस एच, ये अल्कोहल जैसा ही दिख रहा, आर ओ एच होता तो अल्कोहल है ना, यहां लिखूं आर एस एच, और इस तरह से आर एस आर डैश, ये अल्कोहल जैसा लग रहा, ये ईथर जैसा लग रहा, इसको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, इसको हम बोलते हैं थायो ईथर, आर ओ आर डैश ईथर था, एस आ गया तो थायो ईथर। थायो अल्कोहल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं थायोल, और थायो ईथर के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे एल्काइल थायो एल्केन, एल्काइल थायो एल्केन, ऑक्सीजन होता तो लिखते एल्कोक्सी एल्केन, सल्फर है तो लिखेंगे एल्काइल थायो एल्केन। थोड़े लेस पॉपुलर ग्रुप हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी हम तो पढ़ेंगे सारे ही ग्रुप, एल्काइल थायो एल्केन। लगे हाथ एक और ग्रुप हम पढ़ लेते हैं यहीं पे, आर एन एच टू, इसको हम बोलते हैं अमीन, और सही बात करें तो ये है वन डिग्री अमीन। वन डिग्री अमीन तब बोलोगे जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो, इधर देखो एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसका नाम सीधा सीधा आप लिख दोगे अमीन। इसमें और भी फॉर्म होते हैं जैसे आर एन आर डैश एच, ये हो गया बच्चों टू डिग्री अमीन, है ये भी अमीन, टू डिग्री अमीन, टू डिग्री अमीन, इसकी नेमिंग थोड़ी अलग हो जाती है, इसकी हो जाती है एन एल्काइल एल्केनामाइन। तो अभी इनका टेंशन नहीं लेना है, अभी छोड़ दो, थ्री डिग्री अमीन भी होता है, अभी इनकी नेमिंग पूरी डिटेल में नहीं, अभी बस समझो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं नए, अभी इंट्रोडक्शन लो आज की क्लास में, आर एन आर डैश आर डबल डैश, इसको हम बोलते हैं थ्री डिग्री अमीन। थ्री डिग्री क्यों हो गया, नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा है, थ्री डिग्री अमीन, अमीन में डिग्री ऐसे ही डिसाइड करते हैं, अलग अलग जगह पर, मेरी बात सुनो, अलग अलग जगह पर डिग्री डिसाइड करने के अलग अलग तरीके, अमीन में यह तरीका होता है। इसका नाम लिखोगे एन अल्काइल कॉमा एन अल्काइल एल्केनामाइन, अभी मैं लिख नहीं रहा, आप डर जाओगे, मत डरो, इसको भी मिटा देता हूं मैं अभी, चलो अमीन इनका नाम है, और यहां पे बना लो तारा, ये तारा वो तारा तारा तुड़ 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 तारा, अंताक्षरी नहीं चल रही, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तीन और मिले आपको, अमीन, वन डिग्री अमीन, टू डिग्री अमीन, थ्री डिग्री, क्या ये तीनों सर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि सेम है, अलग अलग है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमीन आर डिफरेंट, कई जगह कुछ चीजें सिमिलर भी है जो तीनों अमीन दिखाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ वन डिग्री अमीन दिखाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ टू डिग्री अमीन दिखाएगा, तो अंदर भी ये फंक्शनल ग्रुप है, वन डिग्री अपना एक फंक्शनल ग्रुप, टू डिग्री अपनी कहानी। खैर, नोट किया इतना, बहुत काम है फंक्शनल ग्रुप का, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगी, आगे तो आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे ट्वेल्थ में, पहला चैप्टर पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड, फिर पढ़ोगे अल्कोहल, फिर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, फिर पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फिर पढ़ोगे बस हो गया नहीं, फिर पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर पढ़ोगे अमीन, उसके अंदर पढ़ोगे नाइट्रो ग्रुप, मैंने बोला ना नाइट्रो भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, फिर पढ़ोगे, दिखा रहा हूं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नोट करो, समझ में आ रहा है कि आप ग्रुप वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसके बाद एक एक चैप्टर है इनके लिए, ले भाई तेरा पूरा एक चैप्टर है ऐसे, इतना इंपॉर्टेंस है आज तो, इंट्रोडक्शन है। आर सी ओ ओ एच, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप का राजा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, C डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एल्डिहाइड कीटोन से
डिफरेंट है, समझ में आ रहा। एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ था, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी है और ओएच भी। देखो तो एसिड में मतलब एल्डिहाइड कीटोन भी दिखता है और अल्कोहल भी दिखता है, एल्डिहाइड कीटोन भी दिख रहा है और अल्कोहल भी दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव मतलब इन्हीं से बनाए गए चीजें। जैसे सबसे पहला इसमें हम डेरिवेटिव आपको दिखाएं, सबसे पहला डेरिवेटिव एसिड हलाइड, एसिड हलाइड मतलब स्ट्रक्चर तो एसिड का रहेगा पर यहां पे हैलोजन लग गया एक्स, ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कैसे बना होगा, हैलाइड मतलब यहां क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक्स की जगह, ठीक है, कैसे बना होगा ये। मान लो इस कंपाउंड का रिएक्शन HCl से करा दें, हम HCl से करा दिया, यहां से निकल गया H2O, विंगा विंगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl। HBr से करा दो, H2O निकल गया, RC डबल बॉन्ड O, और यहां मान लो यहां पे Br होता तो Br लग जाता। इसकी सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, मतलब ऑयल क्लोराइड बोल दो, ऑयल ब्रोमाइड बोल दो, ऑयल फ्लोराइड बोल दो, ऑयल आयोडाइड बोल दो, क्लियर है। किससे बना है, एसिड से, एसिड का रिएक्शन HCl HBr से करा दो ये बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना, एसिड का रिएक्शन किसी HX से करा दिया, क्या निकल गया यहां से H2O निकल गया और जो बचा वो एसिड हैलाइड। आएगा सब डिटेल में, अभी आज इंट्रोडक्शन लो कम से कम थोड़ा बहुत जनरल, है ना। ऑयल हैलाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल आयोडाइड। एसिड का ही एक डेरिवेटिव है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड स्ट्रक्चर देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, अमीन है इसके अंदर, बिल्कुल है, एसिड भी है। अगर एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करा दो, एनएच थ्री से, अमोनिया एनएच थ्री ऐसे लिख सकते हो, एनएच टू एच अमोनिया, यहां से H2O निकल गया, क्या बना, RCONH2, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। एसिड का रिएक्शन किससे करा दिया आपने, अमोनिया से करा दिया, क्या निकाल दिया, H2O निकाल दिया, जो बचा एसिड अमाइड। इसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। कई बच्चे बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप याद कैसे रहेगा, देखो जितना टाइम तुम पबजी में दे रहे हो उसको छोड़ दो, इसको याद कर दो तो याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे तुम जो चीट कोड से याद करते हो कि ये कंट्रोल प्लस ए दबा दे तो इससे ये होगा, वैसे ही इसको याद करना पड़ेगा लिख के। बाकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, अभी वीडियोस आएंगे ना एक एक की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ भी याद होगा, और रिविजन से याद होगा, और लगन से याद होगा, और मेहनत से याद होगा, और श्रद्धा से याद होगा। श्रद्धा कौन है सर, चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करो, अपना सिलेबस बहुत बचा है यार, है ना, मजाक नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, इसके बाद अपने पास आया एस्टर, ईस्टर नहीं बोलेगा इसको कोई, एस्टर। एस्टर कौन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये है एस्टर। लग रहा है कुछ कुछ एसिड जैसा। एस्टर कैसे बना होगा, एस्टर बच्चों बनता है जब कोई एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करे, एसिड अल्कोहल, एसिड अल्कोहल, यहां से निकल गया H2O, क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। हो सकता हो R और R डैश सेम हो, ये भी मिथाइल हो, ये भी मिथाइल हो सकता है डिफरेंट। कैसे बना एस्टर बच्चों, एसिड प्लस अल्कोहल और बीच से क्या निकाल दिया H2O, दिख रहा है एसिड और अल्कोहल, H2O निकला एस्टर। इनकी नेमिंग होती है बच्चों एल्काइल एल्केनोएट। कई लोग तो आज की क्लास में सो गए कि सर हम समझ गए IUPAC हमसे नहीं होने वाला, बनेगा, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज। और मैं पता है कितने भी फंक्शनल ग्रुप यहां बोर्ड पे लिख दूं, लास्ट में कमेंट आएगा ये छूट गया वो छूट गया, तो कभी भी पूरा तो हो ही नहीं सकती चीजें। लिख लिए एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर। हैलाइड में ऑयल हैलाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल फ्लोराइड, अमाइड में सीधा अमाइड, और अमाइड में भी कहानियां होंगी, अमाइड में भी ये तरव तरह, इसके अंदर और कहानियां होंगी। कई बार नाइट्रोजन से इधर कार्बन लग जाता है, उधर कार्बन एल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, डिग्री चेंज होती है, जैसे अमीन में था और एस्टर।
HCl, तो नोट करें इसको। एक और एसिड डेरिवेटिव बचा है, वो भी मैं करा दूं, इसको नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया। एक और एसिड डेरिवेटिव है, कहां लिख लिया जाए, कहां लिख लिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव और है, नोट कर लिया। चलो अगला वीडियो कंप्लीटली अल्कोहल पे रहेगा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का वीडियो, फिर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते जाते हैं जैसे ऐसे होता है कि करके। एक और डेरिवेटिव देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए एक अलग से पूरा टॉपिक होगा, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे बना होता है किताब में से बनाओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसे बना होता है किताब में, डराने के लिए बनाया कुछ है थोड़ी ना। कैसे आएगा ये, क्या चीज है ये, पहले तो इसका नाम समझो। इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये बच्चों कुछ नहीं, एक एसिड पकड़ो एक और एसिड पकड़ो, चाहो तो उसी एसिड के दो मॉलिक्यूल्स पकड़ लो और उसमें से पानी निकाल दो, चाहो तो उसी एसिड के दो मॉलिक्यूल या डिफरेंट एसिड। आर सी ओ ओ एच है, एक और पकड़ लो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां डैश लगा दो, सिमिलर है डिफरेंट है पता नहीं, वाटर निकाल दो, रक्टा। अब बताओ आर सी डबल बॉन्ड ओ सीधा किससे जुड़ेगा, ओ से, ओ किससे जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। दो एसिड आपस में रिएक्ट या सिमिलर एसिड आपस में रिएक्ट करें और उसमें से एनहाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब पानी, एन मतलब निकालना, पानी रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ वाटर। इसका नाम होगा बच्चों एल्काइल, एल्काइल एनहाइड्राइड, एल्काइल एल्काइल एनहाइड्राइड, नाम क्या है एल्काइल एल्काइल एनहाइड्राइड। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, एल्किनोइक होता है एक्चुअल में, एल्किनोइक, एल्काइल नहीं, एल्किनोइक, एल्किनोइक, और लास्ट में लिखोगे एनहाइड्राइड, ठीक है, इनकी भी नेमिंग आएगी अपने आप। कैसे बनते हैं एसिड के, एसिड से रिएक्शन से, क्लियर है। अच्छा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप और उससे बनते हुए कई फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के साथ एस्टर बनाया, अमोनिया के साथ अमाइड बनाया, HCl के साथ ऑयल हैलाइड बनाया और खुद से रिएक्ट करके एनहाइड्राइड बनाया। सर याद कैसे होगा करते करते होगा, मेरे को भी सालों साल लग जाते थे। तो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको हम बोलते हैं साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को, और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज होता है नाइट्राइल। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, नाम है साइनाइड और यूज करते हैं नाइट्राइल, और इसी का एक आइसोमर है आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये इसका एक आइसोमर, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और इसके लिए हम यहां यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, और एन ट्रिपल बॉन्ड सी में आइसोसाइनाइड। बच्चों इसके बाद जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बचता है वो फंक्शनल ग्रुप काउंट तो नहीं होता, जैसे आर एनओ टू, जैसे आर सी एल या आर बी आर वगैरह, आर आई है ना, मतलब कहने को आर एक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, और इसको सेकेंडरी सफिक्स में इंक्लूड ही नहीं किया। यही मैं बता रहा हूं कि IUPAC कुछ चीजों को फंक्शनल ग्रुप ना मान के सब्स्टिट्यूएंट मानती है, जबकि ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अपनी प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास RCl, RBr, इसको हम बोलते हैं हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, अगर नाम लिखूं तो नाम पड़ता है इनका एल्काइल हैलाइड, हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बट IUPAC इनको सब्स्टिट्यूएंट में ले चुकी है तो यहां पर नहीं लेगी, बट फिर भी ये प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं। जिस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन,
भी फंक्शनल ग्रुप है यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पर आईयूपीएसी उनको सेकेंडरी सफिक्स में कंसिडर नहीं करती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे जो हमने आज के लेक्चर में आपको बताए। आप इनके सेकेंडरी सफिक्स और इनके स्ट्रक्चर को कॉपी पर लिख लीजिए और याद करिए एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि इसके बाद हम इन डिटेल, जैसे अगले वीडियो में हम आपको अल्कोहल की नेमिंग सिखाएंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग सिखाएंगे, फिर हम इंडिविजुअल की आपको नेमिंग सिखाएं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।